87 साल से लगातार मांग चल रही थी देश के अंदर जातिवाद जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के माध्यम से लोगों को पता चल सके क्या कि किस किस समाज के कितने लोग हैं और जितने भी लोग हैं उनके अनुपात में उनको सेवाओं से लेकर सरकारी जगह पर उनको भागीदारी दी जा सके। लेकिन नहीं, षड्यंत्र लगातार होते रहे। जहां बाबा साहब ने संविधान में हमारे अनुसूचित भाइयों को अनुसूचित जनजाति भाइयों के लिए इंतजाम तो किया, लेकिन वही हमारे पिछड़े भाई कहीं ना कहीं छूटे थे। जिस पिछड़ों के अंदर राजभर समाज के लोग भी आते हैं और भी तमाम समुदाय के लोग आते हैं, उन पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए जहाँ काका कार्यकर रिपोर्ट मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन चाहे कांग्रेस की पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, इन सामंती लोगों ने हमेशा पिछड़ों को दलितों को न्याय देने से हमेशा इन्होंने रोक लगाने का काम किया है, हमेशा षड्यंत्र किया है। आज जब देश के अंदर अनुसूचित जात जनजात और पिछड़े वर्ग के लोगों को कानूनी तौर पर निवेशन जरूर है, कानूनी तौर पर अधिकार जरूर मिला है, लेकिन हर दिन षड्यंत्र होते हैं कि कैसे इनको अधिकारों से वंचित कर सको, कैसे इनको सरकार की सेवाओं में चाहे आईएएस हो आईपीएस हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो अधिकारी हो न्यायपालिका हो हर स्तर पर कैसे पिछड़ों को दलितों को रोका जाए, इस बात के षड्यंत्र लगातार होते रहे। आरक्षण लागू होने के बाद मंडल आयोग की सिफारिश के बाद भी आए दिन लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। हम अपने गरीब बहन भाइयों के बीच आज कहना चाहते हैं, ये जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय मायावती जी ने ये जो गठबंधन का फैसला लिया है, केवल यही एक फैसला केवल यही एक रास्ता ऐसा है जो आपको सच्चे सच्चा न्याय का कोई रास्ता मिलेगा तो इसी गठबंधन के माध्यम से रास्ता मिलेगा। साथी क्या कहा जाता है, जब फैसला लिया माननीय अखिलेश जी ने आदरणीय मायावती जी ने फैसला लिया तो क्या कहा गया हम लोगों को कहा गया कि सांप चुचूंदर का गठबंधन है। याद करो साथियों, किन को कहा गया सांप चुचूंदर, ये पिछड़ों को ये दलितों को ये अल्पसंख्यकों को आदिवासियों को, जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे समाज के अंदर इन वर्गों को भी मुख्य धारा में लाया जाए, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी दो दिन पहले लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि मिलावटी है हम लोग, हमारे गठबंधन को मिलावटी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मैंने उसी समय खड़े होकर कहा था, कह रहे प्रधानमंत्री जी अभी तो सपा और बसपा दो ही मिल पाए हैं, अभी तो लोकदल को भी मिलना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।